Hi guys, welcome to AK Vlogs. I'm back with another video. तो guys, आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ी लिया होगा, गन मेटल्स ग्रे की जो प्रॉब्लम्स आज पिछली वीडियोज में मैंने आपको इसकी एडवांटेजेस बताई थी, बट आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिसएडवांटेजेस कह लीजिए या प्रॉब्लम्स जो मुझे अभी तक मैंने फेस की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. तो गाइस, पहली जो इसके साथ प्रॉब्लम है वो इस मॉडल के साथ ये है, या मुझे नहीं पता शायद सारी 350 के साथ ये है या नहीं. एक्चुअली जो इसका ये जो की जहाँ हम लगाते हैं इग्निशन की, इसके आसपास हैंडल बार के आसपास ऑयल जमा हो जाता है. मतलब आपको इसे हर दूसरे दिन साफ करना पड़ता है. जैसे कि देखिए ऑयल आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा, मैं डिटेल में दिखाइए. देखिए ऑयल देखिए, ऑयल लग रहा है. ये ऑयल थोड़ा करके यहाँ ये जो छोटे छोटे जगह है यहाँ पर बैठ जाता है डस्ट के साथ मिलकर, तो काफ़ी गंदा लगता है जैसा कि आप जानते हैं. और दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है, जब ये बाइक हम ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, 80 से अबव जाते हैं, तो ये जो हैंडल बार्स हैं इतना वाइब्रेट होता है, मीन्स बता नहीं सकता आप लोगों को कि मतलब सोचना पड़ता है कि हाँ 80 से अबव जाएँ या नहीं जाएँ. उससे नीचे जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चलती है बाइक. ठीक है, बाइक अच्छी है नो डाउट, बस थोड़ी बहुत तो हर चीज़ में अच्छाई बुराई होती है, देन वही सेम इसमें है. एंड गनमेट एंड शायद रॉयल इनफील्ड को हैंडल बार्स के ऊपर काम करना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट जो है इसका वो है इसकी डिस्क ब्रेक. ठीक है, डिस्क ब्रेक है इसमें, अच्छी बात है. देखेंगे आप डिस्क ब्रेक. तो डिस्क ब्रेक का एक जो मुझे डिसएडवांटेज लगा है वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्क ब्रेक स्किड भी करता है. देन अगर आप 40 की स्पीड में हैं, देन आपने सडन ब्रेक कर दिया, पीछे कोई नहीं बैठा, तो गाड़ी में थोड़ा वेट है, देन ये स्किड कर सकती है. अब अगर आप मडी एरिया में जा रहे हैं, पीछे कोई बैठा है तो ये स्किड नहीं करती है. लेकिन जब आप अकेले हों, अकेले से राइड कर रहे हों, देन 40 की स्पीड में थोड़ा इमरजेंसी टाइप ब्रेक मारते हैं, देन ये स्किड करती है. फोर्थ थिंग जो इसमें है मतलब मुझे पसंद नहीं आई गाइस, वो आप इसके शॉकर्स देखिए. मैं आपको शॉकर्स दिखाता हूँ. ये देखिए शॉकर्स में आपको निशान दिख जाएंगे. यहाँ से कभी कभी गाइस ऑयल भी लीक होने लगता है जैसे कि देख रहे होंगे, तो ये आपस में रगड़ने लगते हैं. जैसे कि आप ज़्यादा किसी बड़े गड्ढे में कूद गए तो ये रगड़ने लगते हैं, एंड इनमें जो है स्क्रैचेज आने लगते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैंने रॉयल इनफील्ड वालों से इस बारे में बात भी की थी, देन दे सेड कि ये होता है न्यू बाइक में, बट मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं. गाइस कमेंट करके बताइए क्या ये सही है. मेरे को तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही होना चाहिए, एंड है. और लास्ट थिंग जो मुझे इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसका जो फ्यूल प्रॉब्लम. आप सब लोगों ने सुना ही होगा BS4 में फ्यूल प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में. बट आप लोगों को शायद पता होगा कि इसका आप फ्यूल टैंक फुल नहीं करा सकते. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियोस पूरा देखो. यार आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देख रहे, पूरा कंप्लीट वीडियोस देखिए. आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. आपका तो कुछ जाएगा नहीं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्रॉब्लम शेयर कर दी है मैंने आप लोगों के साथ. प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत. थैंक यू सो मच.